जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल वंडरलस्ट आकाश पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड के चार धाम में से एक धाम के बारे में, जो कि है गंगोत्री धाम। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बोले तो होता है दूसरा धाम, पहला धाम यमुनोत्री धाम, दूसरा गंगोत्री धाम और तीसरा केदारनाथ धाम, चौथा बद्रीनाथ धाम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको गंगोत्री कैसे पहुंचना है, गंगोत्री कितने दिन की यात्रा होनी चाहिए, गंगोत्री के कपाट कब खुलते हैं, कौन से समय आना चाहिए और कितने दिन का टूर होगा। अगर आप उत्तराखंड के चारों धाम करना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो मैं लाऊंगा और गंगोत्री धाम की यात्रा करने के लिए कुल कितना खर्चा होगा ये भी इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप यमुनोत्री धाम जाना चाहते हैं तो हमारी यमुनोत्री धाम के ऊपर की वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गंगोत्री धाम की बात करें तो दोस्तों आपको बता दूं कि गंगोत्री धाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी का उगम स्थल है जो कि गोमुख से होता है। गंगोत्री से 18 किलोमीटर ट्रैक करके गोमुख जाना पड़ता है, उसके लिए फॉरेस्ट से परमिशन निकालनी पड़ती है। अगर आपको गोमुख यात्रा की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगोत्री धाम की यात्रा के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड के चार धाम में से एक धाम यानी कि गंगोत्री धाम के कपाट कब खुलते हैं, कब गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू होती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो चार धाम हैं यानी कि यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, इन चारों धाम के कपाट अप्रैल या मई महीने में अक्षय तृतीया के एक हफ्ते दौरान इन चारों धामों के कपाट खोले जाते हैं। इस वर्ष यानी 2023 की बात करें तो गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल के दिन खोल दिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस वर्ष गंगोत्री धाम या उत्तराखंड के चार धाम में से कोई भी धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें और अपनी ई पास बनवा लें। ई पास बनाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं गंगोत्री धाम आने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा। गंगोत्री धाम आने के लिए सबसे पहला ऑप्शन जो कि है ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन जो कि है हरिद्वार जंक्शन, हरिद्वार से गंगोत्री तक की यात्रा आपको बाय रोड करनी पड़ती है। अगर आपके शहर से सीधा हरिद्वार जंक्शन के लिए ट्रेन नहीं है तो आप देहरादून भी आ सकते हैं या फिर आप ऋषिकेश से भी अपनी आगे की यात्रा कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो कि है प्लेन। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट होगा देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट और देहरादून से आगे की यात्रा आपको बाय रोड ही करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हम हरिद्वार, देहरादून या फिर ऋषिकेश पहुँच गए हैं, अब हमको बाय रोड डिस्टेंस कैसे तय करना है, क्या हमारा चार्ज होगा, कैसे वहाँ पहुंचकर होटल लेने होंगे और खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगा, इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अगर आप हरिद्वार या देहरादून आ गए हैं तो यहाँ से आपको मिलेगी शेयरिंग टैक्सी या फिर शेयरिंग गाड़ी जो कि होती है सुमो या बुलेरो। वो गाड़ी एक व्यक्ति का अप्रॉक्स 500 से 600 रुपीज़ लेती है। वहाँ से लेकर वो आपको उत्तरकाशी छोड़ देती है। उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक जिला है, वहाँ से आगे गंगोत्री के लिए रास्ता कटता है। हमारा पहला नाइट स्टे होगा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में हमें 2 रात स्टे करना पड़ता है। पहली रात जब हम हरिद्वार या देहरादून से आएंगे और अगले दिन हम जाएंगे गंगोत्री माता के दर्शन करने। वहाँ दर्शन करके हम फिर वापस आएंगे उत्तरकाशी और हमारा दूसरा रात भी उस तरीके से उत्तरकाशी में ही होगा। उसके बाद हम हमारी रिटर्न की जर्नी करेंगे या फिर जाएंगे हमारे तीसरे धाम यानी कि केदारनाथ धाम के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा पहला ऑप्शन। हमारा दूसरा ऑप्शन जो है बस। हरिद्वार स्टेशन के सामने ही बस स्टैंड है, बस से भी हम उत्तरकाशी जा सकते हैं। उसका किराया 400 से 500 रुपीज़ तक होता है। अगले दिन उत्तरकाशी से गंगोत्री तक बस या फिर टैक्सी से भी जा सकते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी 100 किलोमीटर है, वहाँ जाने के लिए हमको 3 या 4 घंटे लगेंगे। हमारा तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट गाड़ी। अगर आप 6 या 7 लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर हम बात करें प्राइवेट गाड़ी की रेट की तो प्राइवेट गाड़ी का एक दिन का रेट 5000 रुपीज़ होता है या फिर आप 5 या 6 हज़ार में प्राइवेट गाड़ी से उत्तरकाशी तक भी आ सकते हैं।
अगर आप यमुनोत्री से गंगोत्री आ रहे हैं तो यमुनोत्री माँ के दर्शन होने के बाद आप नाइस्टे बारकोट के आगे जेमर या श्रीकोट करें ताकि अगले दिन आप जल्दी गंगोत्री धाम पहुँचे। अगर आपने हमारी यमुनोत्री धाम की वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तरकाशी में रुकने की क्या व्यवस्था है और वहाँ हमें होटल्स कैसे मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप मई जून महीने में जा रहे हैं तो यह एक पीक सीज़न होता है, तो आपको मई जून महीने में होटल्स भी महंगे मिलेंगे, यानी कि 2000 या फिर 2500 में आपको डबल बेड का रूम मिलेगा जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होगा। अगर आपको स्टैंडर्ड होटल्स चाहिए तो भी आपको उत्तरकाशी में मिल जाएंगे। अगर आप सितंबर या फिर अक्टूबर में आते हैं तो आपको कम बजट में भी होटल्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी डे टू की। अगले दिन हम सुबह निकलेंगे उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के लिए, जिसकी दूरी 100 किलोमीटर होती है। उसके लिए हमें 3 या 4 घंटे लगने वाले हैं। दोस्तों, एक और बात, उत्तराखंड के 4 धाम में से 2 ही धाम हमें पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, यानी कि यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम में हमें पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है, और गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम में हमें पैदल चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब गंगोत्री तक सीधा आपकी गाड़ियाँ जाती है, वहाँ जाइए, माता के दर्शन लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोपहर 2 से 3 बजे तक गंगोत्री माता का मंदिर बंद रहता है, इसका ध्यान ज़रूर रखें। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं गंगोत्री माता का मंदिर। तो दोस्तों, गंगोत्री माता के दर्शन लेने के बाद आप जाइए पुनः उत्तरकाशी। उस रात आप उत्तरकाशी में स्टे लीजिए, यानी कि दूसरा स्टे, आप फिर से उत्तरकाशी रहेंगे। फिर डे 3 आप जाइए सोनप्रयाग अपने तीसरे धाम केदारनाथ धाम जाने के लिए, या फिर आप वापस देहरादून या हरिद्वार या फिर ऋषिकेश भी जा सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो आएगी उत्तराखंड के 4 धाम में से तीसरे धाम यानी कि बाबा श्री केदारनाथ जी की। तो चलिए दोस्तों, अंतिम बात करते हैं गंगोत्री धाम की यात्रा करने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, एक धाम का, एक व्यक्ति का, गाड़ी का, रहने का और खाने पीने का मिनिमम खर्चा 3,500 से 4,000 तक होगा। अगर आप चारों धाम करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति का 20,000 से 25,000 तक खर्चा होगा। अगर आप बजट में 4 धाम की यात्रा कैसे करें जानना चाहते हैं या फिर चारों धाम का एक ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये था गंगोत्री धाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन। अगर आपने यमुनोत्री धाम यात्रा की वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंत में मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप इस वर्ष गंगोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और आगे ही आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वंडरलस्ट फैमिली का हिस्सा बने। और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर ज़रूर भेजें। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमारा इंस्टाग्राम यूज़र नेम wonderlust.akash है, वहाँ पर भी आप हमें सीधा सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो यानी कि उत्तराखंड के तीसरे धाम बाबा श्री केदारनाथ धाम जी की वीडियो में। जय हिंद।